हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू सोनकर। आपका अपना यूट्यूब चैनल चूल्हा चक्की में हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बिना अवन, बिना अंडे, बिना दही के सॉफ्ट स्पॉन्जी रवा केक। वैसे तो केक ज़्यादातर मैदे का बना होता है, लेकिन हम सूजी और मैदा दोनों मिक्स करके बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए हमने लिया है एक कटोरी सूजी लिया है हमने, बारीक सूजी लिया है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, पूरा मेजरमेंट हम उसी से करेंगे। अब इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सिंग बाउल में। ये कर लिया हमने इसमें ट्रांसफ़र। अब इसमें हम लेंगे 3/4 कप दूध लिया है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। दूध ना ज़्यादा तेज़ गर्म चाहिए है, ना ज़्यादा गुनगुना, रूम टेम्परेचर पर हमें देना है। अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से हमें फेंटना है इस तरह से। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छे से फेंटेंगे। अगर आप अच्छे से इसको नहीं फेंटेंगे तो आपका केक सॉफ्ट स्पॉन्जी फूला फूला नहीं बनेगा, हार्ड केक बनेगा। जितने अच्छे से आप सूजी और दूध को फेंटोगे उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। इसे हमें कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। लीजिए, हमने 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से फेंट लिया है। देखिए, सूजी ने पूरे मिल्क को सोख लिया है। अब इसको हम कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इसको रखते हैं हम साइड में, तब तक हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है, इसे ग्रीस कर रहे हैं। ऐसा करने से केक हमारी केक टिन में चिपकेगा नहीं। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप टिफ़िन बॉक्स भी ले सकते हैं, और मसाले के जो डब्बे के ढक्कन होते हैं वो भी ले सकते हैं, या थाली वगैरह भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम बटर पेपर को भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप केक टिन में मैदा भी भुरक सकते हैं। हमारे पास ये एल्यूमिनियम का केक टिन है तो हमने ये ले लिया। ये देखिए, इस तरह से करना है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। 15 मिनट हो गए हैं सूजी को रेस्ट पर रखे हुए। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, सूजी कितनी थिक हो गई है, इसने पूरे मिल्क को सोख लिया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है हमारी सूजी। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कटोरी मैदा लिया है। जिस कटोरी से हमने सूजी को लिया था उसी कटोरी से हमने 1/2 कटोरी मैदा लिया है। अगर आप मैदा नहीं लेना चाहते तो आप इसके बदले आटा भी ले सकते हैं। और 3/4 कप हमें शुगर लेना है, शुगर पाउडर है ये। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप मिक्सर में शुगर को ग्राइंड कर सकते हैं। सेम कटोरी से हमने शुगर पाउडर लिया है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 कटोरी हमने बटर लिया है, बटर को हमने मेल्ट करके लिया है। आप चाहें तो इसमें ऑयल ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, लेकिन इसमें सरसों का तेल वगैरह ना लें क्योंकि इसमें तीखी स्मेल रहती है, उसका पूरा फ्लेवर आ जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे हम स्मूथ कंसिस्टेंसी में कर लेते हैं। देखिए, हमारा कितना स्मूथ और सिल्की बैटर बनकर तैयार हो गया है। इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। कुल मिलाकर हमारा इसमें 1.5 कटोरी दूध लगा है। 1 कटोरी दूध हमारा पहले लगा था और 1/2 कटोरी दूध अभी लगा है। अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, इस तरह से। ये देखिए, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चुटकी नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें वेनिला एसेंस, ये छोटा चम्मच है। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हमने यहाँ पर भरकर बेकिंग पाउडर लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा लिया है, ये इस चम्मच से लिया है हमने। अब इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
एक मिनट तक हमें मिक्स करना, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, या हमने रेड कलर की टूटी फ्रूटी लिए है। इसमें हमने लिया है एक टीस्पून मैदा, इससे हम कोट कर लेंगे। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी पूरी केक की तली में नहीं बैठेगी। ये लीजिए, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं ट्रांसफ़र केक टीन में, जो हमने ग्रीस करके रखा है। ये हम ट्रांसफ़र करते हैं इसको केक टीन में। अगर आप टूटी फ्रूटी नहीं लेना चाहते तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालना चाहते तो आप प्लेन केक भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये केक। तो इस तरह से हम इसको पूरा ट्रांसफ़र इसमें कर देंगे। अब इसको इस तरह से हम टैप करेंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए। और इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास कलरफुल टूटी फ्रूटी है तो आप वो ले सकते हैं। ये लीजिए, अब इसको हम रखते हैं कढ़ाई में। अगर आपको कुकर में बनाना है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। यहाँ हम कढ़ाई में केक बना रहे हैं। कढ़ाई को हमने 5 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम रखेंगे ये स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी को या प्लेट को इस तरह से उल्टा करके रख दीजिए, और उसके बाद आप केक टिन को रख सकते हैं। तो हम रखेंगे ये स्टैंड को, अब इसमें हम रख देते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ना तो पानी है कढ़ाई में। अब इसको हम केक टिन को रख देते हैं। अब इसको हम कवर कर देते हैं। आप चाहे तो केक को कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी सीटी और रबड़ को आपको निकालना होगा। अब इसको हम 25 मिनट तक कुक होने देंगे, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारा केक बेक हो रहा है। 30 मिनट हो गए हैं इसे बेक होते हुए। अब हम स्टिक की हेल्प से इसको इस तरह से डाल के देखेंगे। ये देखिए, हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन आ रही है। अगर स्टिक क्लीन नहीं आए तो आप इसे 5 मिनट तक और बेक कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर रहे हैं। हमने इसे स्लो फ्लेम पर 25 मिनट बेक किया है। पहले 5 मिनट हमने हाई फ्लेम पर बेक किया था, फिर 25 मिनट हमने स्लो फ्लेम पर बेक किया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर रहे हैं। इसे ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है, इसे अब हम डिमोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हम नाइफ से इसको घुमाएंगे और केक हमारा इजीली निकल जाएगा। अब लेंगे हम प्लेट। इस तरह से करेंगे हम टैप करेंगे। ये देखिए, हमारा केक इजीली निकल गया, बिल्कुल क्लीन है केक टीन। इसको अब हम कर देते हैं सीधा। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको काटने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना स्पॉन्जी बना है। ये देखिए, देखिए कितना जालीदार बना है, कितना स्पॉन्जी बना है। जिसने कभी केक नहीं बनाया वो भी पहली बार आसानी से ऐसा डिलीशियस केक बना सकता है। इसकी जाली देखिए, बहुत ही बेहतरीन केक बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।